हेलो एवरीवन, चलिए आज चलते हैं किसी पंजाबी रेस्टोरेंट में जहाँ के फूले फूले छोले भटूरे देख के आपका मन खुश हो जाता है। लेकिन उससे पहले थैंक्स बोलते हैं मिसेस वरुणा किचन को, जिन्होंने हमारी रेसिपी को एप्रिशिएट किया है। थैंक यू सो मच वरुणा जी, आपका एप्रिशिएशन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो देखिए कैसे फूल रहे हैं, सारे के सारे भटूरे डब्बों की तरह आपके भी ऐसे ही फूलेंगे अगर आप थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो। लेकिन आज हम इन्हें सिर्फ मैदे से नहीं बनाने वाले हैं, हम इसके साथ थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि हमारे जो भटूरे बनेंगे वो थोड़े से हेल्दी भी बनेंगे। बहुत से लोग मैदा खाने से बचते हैं, तो आप मैदा और सूजी मिला के भी बना सकते हैं। आप चाहें तो मैदा और आटा मिला के भी बना सकते हैं, मतलब गेहूं का आटा, दोनों से ही बन जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो लगभग मैंने 3 कप के आसपास मैदा लिया है और 1 कप सूजी ली है, लास्ट में थोड़ी सी बच रही थी पैकेट में तो मैंने वो भी डाल दी है। और आधा चम्मच के आसपास मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, तो चीनी डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको डालने से आपके भटूरे बिल्कुल कमाल के बनते हैं। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ उसी मेजरिंग कप से 1 कप भर के दही, और ये दही बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, थोड़ा सा खट्टा है ये, तो थोड़ा खट्टा वाला दही ही चाहिए भटूरे में, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको फर्मेंटेड करना होता है। तो पहले तो हमने दही डाला है, उसके बाद थोड़ा, अगर आपको लग रहा हो कि हार्ड है क्योंकि उतनी दही में पूरे आटे तो नहीं लग पाएंगे, तो आप थोड़ा पानी डालिएगा और थोड़ा सॉफ्ट डोई तैयार करेंगे, क्योंकि सूजी जब फूलेगी ना तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जाड़े में बना रहे हैं तो 8 से 10 घंटे आपको रेस्ट देना है, और अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो 4 से 5 घंटे में हमारा ये भटूरे का आटा बिल्कुल रेडी हो जाता है। और भटूरे बिना छोले के तो बिल्कुल अधूरे हैं, मतलब हम कल्पना ही नहीं कर सकते। पर आज मैं आपके साथ छोले की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, पहले मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, आज मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि मैं भटूरों के साथ बना रही हूँ पंजाबी छोले, जिसमें कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी ये ड्राई होते हैं और इनको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको चाहिए ये पंजाबी छोलों की रेसिपी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज छोले बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे रेस्ट दे दिया है हमने अपने आटे को, लगभग 4 से 5 घंटे रेडी है, और ये देखिए कितने अच्छे से फर्मेंटेड हो गया है, मतलब फूल गया है। अब क्या करेंगे, जो तेल हम गर्म कर रहे हैं ना उसमें से 1 चम्मच गरम तेल लेंगे और अपने इस डो पे डालेंगे, और उसके बाद इस डो को थोड़ा सा हमें मसल लेना है, मतलब कि अच्छे से एक बार और गूंद लेना है ताकि थोड़ा ये अच्छे से बेलने वाले फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अभी इसमें बहुत एयर भर गई है, क्योंकि जाली पड़ जाती है जब ये फर्मेंटेड होते हैं, थोड़ा फूल जाते हैं, तो इनको अच्छे से एक बार गूंथना ज़रूरी है। और ये जब हम इस बार गूंथते हैं ना तो एकदम ही सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाते हैं। तो 2-3 मिनट के लिए आपको इसको गूंद लेना है, उसके बाद सारे जितने भी भटूरे आपके बन सकते हैं इतने में, छोटे बड़े साइज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, बहुत छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं। तो नॉर्मली जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उतना ही बड़ा मैंने पेड़ा रेडी कर लिया है। और हल्का सा देखिए हमने इस पर ऑयल लगाया है, आज मैं इसमें मैदा डस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं ऑयल लगा के ही बेलूँगी। इससे क्या होगा ना कि आपका जो ऑयल है वो भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैदा वगैरह लगा के बेलने से ऑयल जो है नीचे काला पड़ने लगता है, और जब तेल बढ़िया गर्म होगा तभी हम भटूरे डालेंगे। तो पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा पहले आटे का एक छोटी सी बूंदी डाली है और वो रेडी नहीं है तेल अभी, फिर दूसरा मैंने डाला है अभी भी उतना रेडी नहीं है, लेकिन हम वेट करेंगे थोड़ी देर और उसके बाद हम डालेंगे अपने भटूरे को। तो पहला भटूरा जो है ना जनरली क्या होता है कि उतना सही नहीं बन पाता, क्योंकि तेल का टेम्परेचर उतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा पहला वाला कैसा बना था। तो पहला तो फूला है पर उतनी तेज़ी से नहीं फूल रहा है जितनी तेज़ी से फूलना चाहिए, क्योंकि तेल का टेम्परेचर उतना सही नहीं है। तो पहली टिप तो यही है आपके के लिए कि जब भी आप भटूरे बनाएं ना तो तेल बिल्कुल धुआंधार गर्म होना चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरीके का, मतलब फूला तो है लेकिन मेरे हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। लेकिन वापस से जब हम दूसरा भटूरा डालें तो पहले भटूरे को निकालने के बाद ना थोड़ा तेल को टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं कि निकालते जाएँ और डालते जाएँ जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं। अगर हम 10 सेकंड के बाद दूसरा भटूरा डालेंगे ना तो आप देखिएगा कितने बढ़िया से फूले फूले बनेंगे। और अब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है और सारे भटूरे ऐसे निकल रहे हैं ना बिल्कुल डब्बों की तरह। और सबसे खास बात जो है, देखिए इन भटूरों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, सारा ऑयल छोड़ दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की और सूजी कभी भी बहुत ज़्यादा तेल नहीं सोखती है। और दूसरी चीज़, अगर आप गर्म ऑयल में
मतलब बिल्कुल धुआंधार तेल में अगर आप भटूरे छानेंगे ना, तो कभी भी आपके भटूरे ऑयली नहीं बनेंगे। तो ये एक दो सिंपल सी टिक्स है जो अगर आपको पता हो जाएगी तो आप बिल्कुल भटूरे बनाने में मास्टर हो जाएंगे। और भटूरे जैसे जैसे निकलते जा रहे हैं ना, इसकी खुशबू पूरे घर में फैलती जा रही है, इवन घर में ही क्यों, बाहर भी जा रही होगी। बाहर वाले भी सोच रहे होंगे कि आज किसी के यहाँ कुछ बढ़िया बन रहा है। तो आप भी ये बढ़िया चीज़ बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी मैं रोज़ लेकर के आती हूँ किसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ताकि आप अगर पहले कभी भी ये रेसिपीज़ नहीं बनाए हैं तो आप बिल्कुल मास्टर हो जाए एक ही बार में, बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। और अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी अपने घर में ट्राई करते हैं बनाने के लिए या बनाते हैं, तो कैसी बनती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी किसी भी वीडियो में, ताकि मुझे पता चल सके कि जो भी मैं सिखाती हूँ उसमें से कोई कुछ ट्राई करता भी है यानी, या फिर मैं बस ऐसे ही बनाती जा रही हूँ। तो देखिए, कुछ ऐसे ओवल शेप में मैंने बेल लिया है और उसके बाद डाल दूँगी तेल में, और देखिए किस तरह फुले फुले भटूरे मेरे बन रहे हैं। तो बस तेल बढ़िया से गर्म होना चाहिए भटूरों के लिए, एक यही एक आइडियल मतलब स्टेज होता है कि जैसे ही तेल गर्म होगा हम डालेंगे, और देखिए फटाक से ये बन के रेडी हो जाता है। और जितनी जल्दी ये बन रहा है ना, उतनी ही जल्दी प्लेट से खाली भी हो रहा है, क्योंकि खाने वाले कभी भी ठंडे भटूरे खाना पसंद नहीं करते। तो बस मैं गर्मा गर्म बनाते जा रही हूँ, देते जा रही हूँ। और ये देखिए लास्ट वाला तो मैंने गैस बंद करके बना लिया, और ये एक मैजिक भी हो गई, गैस बंद करके मैंने भटूरे निकाल लिए। लास्ट वाले के लिए तो मैंने तेल मतलब गैस बंद कर दिया था, उसी तेल में निकल आया। तो रेडी है मेरे भटूरे, चलिए देखिए गर्मा गर्म भटूरे कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है या इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में जो भी अच्छा लगता होगा मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। चलिए सर्विंग कर लेते हैं। भटूरे के साथ मैंने बनाए हैं आज पंजाबी छोले, बहुत ही लजीज छोले बने थे, मतलब मुझे लगा नहीं था इतने बढ़िया बन जाएंगे, लेकिन आज की जो मेरी ये डिनर की थाली है ना, वो खा के बिल्कुल मज़ा ही आ गया। साथ में लच्छे वाले प्याज है, और ये मैंने आम का अचार बनाया था वो मैं साथ में सर्व कर रही हूँ। तो चलिए खाते पीते हैं। आप इन भटूरों को ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, ब्रंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, या फिर लंच में बना सकते हैं। कभी भी खाइए और एंजॉय करिए, ये कभी भी आपको निराश करने वाली रेसिपी नहीं है। और मेरा बच्चा भी आज बहुत मन से खा रहा था, मतलब जनरली वो छोले वगैरह नहीं खाता, पर आज भटूरे और छोले उसने बहुत मन से खाए। तो अगर आपका बच्चा खा रहा है तो इसका मतलब है कि ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, क्योंकि बच्चों के लिए हमें अलग से कुछ बनाना होता है। तो आज मुझे नहीं बनाना पड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में अपने नाम और शहर के नाम के साथ ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको थैंक्स बोल सकूं, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका मैसेज, आपका लाइक और एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।